Hello students, we are doing some more question in this video for function. See here, the question is a function f is defined by fx is equal to 2x minus 5. Find the value of f of 0, f of 7 and f of minus 3. देखिए एक function है और ये मैं आपको बता चुका हूं कि क्योंकि वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहां जो वैल्यू है वो एक्स की, एक्स वेरिएबल की वैल्यू है, इसलिए ये एक फंक्शन है. तो इस फंक्शन की हमें वैल्यू निकालनी है एक्स इज इक्वल टू जीरो पर. देखिए यहां पर एक्स की प्लेस पर क्या है, जीरो है, तो आप यहां एक्स की प्लेस पर जीरो पुट कर दीजिए. सो ये हो जाएगा जीरो माइनस फाइव, इट मीन्स माइनस फाइव. आप सेकंड वैल्यू निकालोगे एफ ऑफ सेवन, और इसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ सेवन अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा टू इंटू सेवन माइनस फाइव, सो इट विल बी फोर्टीन माइनस फाइव, इट मीन्स नाइन. और थर्ड आप जब एफ ऑफ माइनस थ्री रखोगे तो टू इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव, सो इट विल बी माइनस सिक्स माइनस फाइव, इट मीन्स माइनस इलेवन. सो ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ टी सी, अब देखिए यहां पर जरूरी नहीं है कि एफ एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ही फंक्शन हो. यहां पर एक फंक्शन टी के फॉर्म में देकर रखा हुआ और यहां अंदर सी है, इट मीन्स ये कि यहां वेरिएबल सी का यूज हुआ है. एफ ऑफ एक्स हो या टी ऑफ सी हो, हमें बस ये देखना है कि किस वेरिएबल में डिफाइन है. अगर यहां पर सी वेरिएबल है और यहां सी वेरिएबल है, एंड इफ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी जीरो, इट मींस वी नीड टू पुट सी इज इक्वल टू जीरो. एंड इफ हियर वी हैव टू फाइंड आउट टी ऑफ माइनस टेन, इट मींस दैट वी नीड टू पुट सी इज इक्वल टू माइनस टेन. सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हाट वी विल डू, वी विल पुट जीरो एट द प्लेस ऑफ सी. So in the function also we will put 0 at the place of c. Therefore 9 into 0 0 and 0 upon 5 0. So 0 plus 32 is equal to 32. This is the value of t of 0. And if I will put minus 10 at the place of, if I will put minus 10 at the place of C, then what will happen? It will be minus 90 upon 5 plus 32. So it will be 5 1 ja 5 and 5 8 ja 40. So minus 18. Plus 32, so it will be plus 14. It means t of minus 10 is equal to 14. इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका आप मतलब समझिए प्रैक्टिकल यूज, दैट t ऑफ c इज इक्वल टू 9c बाय 5 प्लस 32. यानी आप c की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो. जब सेल्सियस में वैल्यू होगी जीरो तो यहां पर ये 32 डिग्री आएगा, और ये फंक्शन किसका है, ये फंक्शन है फ़ारेनहाइट निकालने के लिए. जब डिग्री और फ़ारेनहाइट दो होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के, तो ये फ़ारेनहाइट का फंक्शन है. ठीक है, तो यहां पर अलग अलग हम वैल्यूज सेल्सियस की अलग अलग वैल्यूज के लिए फ़ारेनहाइट में वैल्यूज निकाल सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. इन फंक्शंस की हमें रेंज फाइंड आउट करनी है. देखिए इसमें डोमेन फाइंड आउट करने को कहा नहीं है, सिर्फ रेंज फाइंड आउट करने को कही है, लेकिन हम उसे डोमेन की हेल्प से ही रेंज फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेंज वैल्यू होती है, रेंज का मतलब होता है ये एफ ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू, जिसको हम वाई से डिफाइन करते थे. आपको पहले भी बताया था कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और एक्स की जितनी भी वैल्यूज होती है वो सभी डोमेन होती है, और वाई की जितनी भी वैल्यूज होती है वो रेंज होती है. यानी कि सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट्स जो कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की इमेजेस होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, वो सभी रेंज होती है. अब जब हम यहाँ फंक्शन की बात करें, क्योंकि फंक्शन भी तो एक टाइप का रिलेशन ही है ना,
इसलिए जब ये फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी ना, जितनी भी एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, इस फंक्शन की जो वैल्यूज होंगी वो ही हमारी क्या होंगी, रेंज होंगी। तो हम पहले देखते हैं कि हम एक्स की किन किन वैल्यूज को ले सकते हैं। पहले तो ये देखिए, तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो यहां पर उसने कंडीशन देके रखी हुई है कि एक तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x है, और x बिलोंग्स टू r, यानी सारे रियल नंबर्स हैं ये x, और उन रियल नंबर्स में से भी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब आपको पता है कि रियल नंबर्स जो होते हैं उनकी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है और बीच में 0 होता है। अब उसमें से भी यहाँ पर एक कंडीशन स्पेशल दे दी है कि x की सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 से ग्रेटर हैं, और 0 से ग्रेटर है मतलब यहां पर अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन मीन्स एक्स की सारी वैल्यूज, तो डोमेन की अगर मैं बात करूं तो वो सभी 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में होगा। इसमें कहा नहीं है, बट फिर भी अगर आप डोमेन लिख देते हो तो अच्छी बात है। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए 0 से लेकर इनफाइनाइट हो जाएगा, और आपको पता है कि इनफाइनाइट में तो हमेशा हम स्मॉल ब्रैकेट ही लगाते हैं, और क्योंकि 0 उसमें इंक्लूड, यहां पर 0 भी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसने एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं बोला है, सिर्फ एक्स इज ग्रेटर देन 0 बोला है, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, यानी इस 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है। मतलब ये तो हो गई डोमेन की वैल्यू। अब डोमेन की इस वैल्यू के लिए मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो अब मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो आपको 0 से इनफाइनाइट के बीच की एक्स की वैल्यूज आपको रखना है, और ये सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब मैं क्या ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस कंडीशन को ले लूं, एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये तो मेरी कंडीशन पहले से गिवन है, और क्यों ना मैं इसको वाई बना दूं, वाई इन द सेंस ये फंक्शन बना दूं 2 - 3x इसी को, और अगर इसी को मैं ये फंक्शन बना देता हूं तो मुझे उसकी रेंज पता चल जाएगी। देखिए कैसे, मुझे 2 - 3x बनाना है और ये एक इनइक्वलिटी है, तो इनइक्वलिटी में मैं क्या करता हूं, मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन 3 * 0, अल्टीमेटली वो 3x इज ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा। फिर मैं क्या करूं, फिर मुझे अब माइनस चाहिए, और आपको पता है अच्छे से कि जब हम निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, दोनों साइड, तो ये जो साइन होता है ये रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स अगर मैं इसे ऐसा लिखूं -3x, तो ये हो जाएगा लेस देन -0, और -0 0 ही रहेगा। ये आपको समझ में आया इनइक्वलिटीज से। इनइक्वलिटी का रूल है कि जब आप निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स। चाहे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो निगेटिव साइन से, उस समय साइन जो होता है इनइक्वलिटी का वो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। अब मैं -3x तो है मेरे पास, मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो मैं यहां दोनों तरफ क्या कर देता हूं, +2 कर देता हूं। सो ये हो जाएगा 2 - 3x इज लेस देन 2। जैसे ही मेरा यहां पर ये फंक्शन आता है, जो फंक्शन यहां डिफाइन है जिसकी कि मुझे रेंज निकालना है, वो फंक्शन मुझे यहां पर मिल जाता है, इट मींस बस मुझे इसी स्टेप तक करना है, और ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, और जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, लेस देन 2 है, और लेस देन अगर 2 है तो आप खुद ही देख लीजिए, ये रियल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ये 0, और ये क्या है यहां पर 2 है, और लेस देन 2 का मतलब क्या होता है कि यहां से माइनस इनफाइनाइट तक की पूरी रेंज कवर हो रही है, और पूरी रेंज कवर हो रही है तो क्योंकि दिस फंक्शन इज लेस देन 2, इट मीन्स 2 इज नॉट इंक्लूडेड, ये 2 उसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए जब आप इसकी रेंज बताओगे तो रेंज में एक तो होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 तक, न तो उसमें माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड है और न ही उसमें 2 इंक्लूड है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। आइए सेकेंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2, और यही फंक्शन है। अब पहले देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड एक्स इज अ रियल नंबर, मतलब ऐसी कोई एक्स इज ग्रेटर देन जीरो वाली जो कंडीशन थी जिसको हमने यूज किया था, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, एक्स इज अ रियल नंबर बोला है बस। अब एक्स अगर रियल नंबर है, इट मीन्स कि जो डोमेन है, आप खुद ही सोचिए, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी हुई है, इट मीन्स जो डोमेन है वो डोमेन तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही होगा, ये कंप्लीट डोमेन हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, और अगर एक्स ये पूरा फंक्शन रियल फंक्शन है तो एक्स की वैल्यूज भी रियल वैल्यूज होंगी, और एक्स की वैल्यू रियल वैल्यूज होंगी मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में होंगी, यानी ये हमें, ये डोमेन है, ये हमारा फर्स्ट सेट है एक्स का। अब हमें रेंज निकालनी है, तो हम रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि मेरी जो x की वैल्यू है, अब आप देखिए कि मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, जैसे वहां पर x इज ग्रेटर देन जीरो थी कंडीशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में जिसके थ्रू मैंने ये फंक्शन बनाया था, वैसे मेरे पास यहां पर कोई भी गिवन कंडीशन नहीं है, लेकिन मैं यहां पर इतना जरूर सोच सकता हूं कि ये जो एक्स स्क्वायर है तो मैं यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं, जैसे ये जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट और बीच में जीरो, ये जो पूरा का पूरा मेरा डोमेन है, यानी मेरा जो फर्स्ट सेट है जिसकी वैल्यूज मैं यहां से एक्स की वैल्यूज उठाऊंगा, उसकी मैं एक्स की कोई निगेटिव वैल्यू उठाऊं या पॉजिटिव वैल्यू उठाऊं, यहां पर जब वो एक्स की वैल्यू आएगी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। आपको समझ में आ रहा है? ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, इस एक्स की वैल्यू मैं चाहे पॉजिटिव लूं या निगेटिव लूं, उसका जब स्क्वायर होगा तो वो वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। इफ एक्स इज पॉजिटिव और एक्स इज निगेटिव, एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वैल्यू और प्लस टू, ठीक है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर मैं कह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, अगर एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। भाई एक्स की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं, एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पर मेरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। इसलिए मैं क्या इसमें ये कंडीशन यूज कर सकता हूं दैट एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, और जीरो भी हो सकता है, सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगा सकता हूं मैं यहां पर, कि एक्स की वैल्यू मेरी जीरो भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इसलिए मैंने यहां पर एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो या एक्स की वैल्यू जीरो हो, हमेशा और हमेशा एक्स स्क्वायर क्या आएगा? या तो जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा। मैंने ये कंडीशन ले ली यहां पर, और इस कंडीशन के थ्रू अब मैं वो कंडीशन बनाऊंगा, तो मुझे फंक्शन चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर तो पहले ही है, मैं प्लस टू कर देता हूं, तो यहां भी प्लस टू हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू इज ग्रेटर और इक्वल टू टू बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बस मुझे ये फंक्शन ही तो चाहिए था एक्स स्क्वायर प्लस टू, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस टू मुझे मिल गया है, इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया है, और फंक्शन की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस टू, वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू क्या रहेगी? टू रहेगी। मतलब ये रेंज है रियल नंबर्स, ये जीरो, तो ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा टू से ग्रेटर और इक्वल, मतलब ये सेट ऐसे डिफाइन होगा, और सेट ऐसे डिफाइन होगा तो मैं यहां पर लिख पाऊंगा कि मेरी जो रेंज है उसमें टू भी इंक्लूडेड है और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है, मतलब टू से लेकर इनफाइनाइट तक जिसमें इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है लेकिन टू इंक्लूड है। इसलिए यहां पर मैं एक हाफ स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पर एक हाफ ओपन ब्रैकेट यहां पर रखूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, और इसमें हमें क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। तो आप खुद ही बताइए कि फंक्शन ही एक्स के इक्वल है, मतलब एक्स इज अ रियल नंबर, तो एक्स रियल नंबर है,
मतलब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये डोमेन हुआ। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच की सारी वैल्यूज मैं एज ए डोमेन यूज कर लूंगा, क्योंकि अलग से कोई कंडीशन दी हुई नहीं है। अब ये जो एक्स की वैल्यूज हैं ये तो फंक्शन के इक्वल है, मतलब रेंज के इक्वल। ये क्या है एक्स? डोमेन। ये एफ एक्स क्या है? रेंज। और रेंज और डोमेन दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इसका मतलब जो रेंज होगी वो भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है।